बस स्टैंड चौक की पुलिस ने झपटमारी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि युवक की गिरफ्तारी से झपटमारी की कई वारदातें हल हुई हैं। युवक की पहचान नरेश कुमार उर्फ राज निवासी बस्ती टैंको वाली फिरोजपुर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मेजर सिंह ने बताया कि पंजाबी बाग निवासी तेजस कुमार ने शिकायत दी थी कि एक्टिवा पर सवार एक युवक ने उनसे उनका मोबाइल झपट लिया है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो शाम को ही ये युवक डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र से धरा गया। पुलिस ने उक्त आरोपी से 6 मोबाइल व 1 एक्टिवा बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। सुरेश कुमार एक साला सुरेश कुमार पंजाबी बाग का रहना खानपुर रोड पे रहता है। वो इतने बस स्टैंड लगे जा रहा है, मोबाइल फोड़ा जा रहा है। एक्टिवा के पीछे टर्न होते मुंडा आया, तेरा चप मार के मोबाइल स्नैच करके ले गया। उन्हें तो पीछे नंबर नंबर नोट कर लिया थी, तो असी फिर स्पैशल नाकाबंदी कराई। तो मेजर सिंह एस सी ने फिर उन्होंने मोबाइल समेत एक्टिवा से गिरफ्तार किया। तो पुछगिछ दौरान फिर इन्हें मने मेरे को होर भी मोबाइल है, 6 मोबाइल थे असी ये फिर इन्हें शराब से बरामद किए। ये पहला छोटी मोटी इन्हें कई वारदातें की, पहला किसी शोरूम लगा ही उतों भी चोरी की, इन्होंने घर रहा उन्होंने ए टी एम चोरी करके चोरी की, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हैगी। इनू असी रात गिरफ्तार किया, अच्छ कोर्ट पेश करके रिमांड हासिल करके।